दोस्तों मैंने पहले मैंने खरगोश को खाना दिया, आप देख सकते हैं। तो मैंने जैसे डाला छोटा जो ना हमारा खरगोश वो भी इनके साथ ही, और तारा जो डॉग ना सोवन यार, इन्होंने बहुत ही परेशान हमें किया है। वो हमला कर देती है कभी खरगोश के बच्चों पे, कभी मुर्गी का जो छोटा बच्चा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। वो उनके नीचे खड़ा है जो पानी जो टंकी के अंदर ना चला जाए यार, उन पर भी हमला कर देती है। तो कभी किसी पर हमला करती है, तो इंशाल्लाह कल इनको मैं बेच कर आऊँगा और दूसरी चीज़ लेकर आऊँगा। यार ये बहुत ख़तरनाक है यार, मैं छोटा बचान खरगोश का आप देख सकते हैं, इन पर भी हमला कर देती है तो खूबसूरत, लेकिन यार इससे बहुत नुकसान है। हमारे बबलू आप देख सकते हैं, हमारे बबलू बादशाह, इनको मैंने इसके अलग दाना दिया क्योंकि इनको बहुत ही हमारा पीटा करती है, तो इनके जुदा दिया है खाना आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे, उम्मीद है कि ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज हांजू को भी निकाल दिया, इसलिए निकाला है कि ये पिंजरे के अंदर दिन सारा दिन ही बंद हो, दिन और रात बंद होता है, इसलिए अच्छा नहीं है कि इनको बंद किया जाए, तो उनको मैंने आज निकाल दिया। तो ये भी खा रहे हैं आप देख सकते हैं। तो मोरनी भी आ चुकी है, जो मोरनी ने इसके ऊपर अंडे दिए इन दरखट के ऊपर, मैंने जैसे ही फेंका तो मैंने इसके अंडे दिए, तो इनको मैंने दाना दे दिया है। तो ये भी आप देखते हैं, ये भी ये बादशाह ये मुर्गी जो ये भी अंडा देना शुरू कर दिया है। एक खरगोश जो है हमारे करीब, उनको मैंने दे दिया क्योंकि यार खरगोश दाना सोना इनके हमला का, छोटा बच्चा देख सकते हैं कितना खूबसूरत है हमारा। तो यार आप देख सकते हैं फिर भी हमला कर देती है, छोटा बच्चा जो ना उन पर हमला जल्दी कर देती है। ओए लड़ना नहीं शाबा, लड़ना नहीं, तो इंशाल्लाह इनको मैं कल बेच कर दूसरी चीज़ लेके आऊँगा। आप खरगोश देख सकते हैं हमारे को, मैंने जैसे घास लाया तो छोटे खरगोश जो ना अभी घास को खा रहे हैं, क्योंकि दिन के टाइम इनको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि काऊ जो ना कौआ इसका एक जो ना कौआ ले कर चला गया, उनको बच्चों की खुराक बना दी, तो उनको मैं दिन के टाइम बंद कर देता हूँ। बिल्ली का भी खतरा होता है। तो एक ये हमारा छोटा खरगोश दो उधर है, अब देख सकते, ये हमारी मुर्गी जो कि अंडा देना शुरू किया है, सारे अंडे इन्होंने कई हम दिए अंडे, तो आप देख सकते हैं। शाबाश, इनसे नहीं लड़ना, शाबाश छोटों से नहीं लड़ना, तो छोटों से नहीं लड़ना, शाबाश। तो आप देख सकते हैं ये हमारे बबलू भी कितनी खूबसूरत है हमारे बबलू, तो अब जा रही है रांझू से लड़ने के लिए, आप देख सकते हैं। तो वो ही रांझू से लड़ने, रांझू भी खतरनाक है। शाबाश हमारे राजू जो है ना, उनकी भी तबीयत यार सही है, सही नहीं है। तो आपको मोरनी भी दिखाते हैं, आप देख सकते हैं मोरनी भी, इन्होंने अंडा दिया है उस घोंसले के ऊपर, उन्होंने अंडा देना शुरू किया है, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद ये भी कुरुप हो जाएगी। तो हमारे बबलू जो है ना ये पानी पे बैठे है, वो जो गंजा है ना ये कितना खूबसूरत है हमारा, इंशाल्लाह गंजा भी कुछ दिनों बाद, ये गंजी मुर्गी है ये भी अंडा देना शुरू कर देगी। तो हमारा खरगोश जो है ना ये पानी की टंकी के करीब बैठा है, क्योंकि दिन के टाइम बहुत गर्मी हुआ कर। ये चिड़िया भी आप देख सकते हैं, ये भी खा रही चिड़िया देख सकते हैं आप, एक बच्चा है बड़ा है, ये हमारी मेल। तो दोस्तों हमारे राजू जो है ना उनकी तबीयत यार सही नहीं, आप देख सकते हैं कितना परेशान है, वरना आजू जो है ना वो हमला करता है जल्दी जल्दी, हर चीज़ पे हमला कर देता है। शाबाश शाबाश शाबाश, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, शाबाश खा लो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है हमारे। दोस्तों हम लेते हैं पहले इनको दाना दिया, अब मैं जो चलता हूँ पैरस जो है ना उनको मैं दाना दूँ, क्योंकि यार ये भी दिन के टाइम बंद हुए, ये हमारा छोटा मुर्गा है ये भी आप देख सकते हैं, तो इनको भी मैंने के अंदर बंद किया, क्यों राजू को जैसे मैंने निकाल दिया है तो ये हमला ही करेगा। तो दोस्तों शाबाश पैरस को मैं इनके अंदर ही रहता हूँ, आज देखता हूँ अंडा उन्होंने दिया या नहीं दिया, देखता हूँ यार यार आज भी ये आप देख सकते हैं खाली पड़ा है, पता नहीं कभी ये अंडा देना शुरू के अंदर। चलो 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 शाबाश, चलो चलो शाबाश शाबाश शाबाश, चलो 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 चलो, ये चले गए अपने पिंजरे के पास, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है हमारे पैरस। तो ये हमारे को देखते ही उस पिंजरे के अंदर चले जाते हैं, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इनकी आवाज़ है, तो उस पिंजरे के अंदर चले गए। तो हमने इसको अब सबको दाना दे दिया है, तो कोई पानी पी रहा है, ये हमारा बादशाह, तो हमेशा बादशाह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है हमारा बादशाह बादशाह। तो हमारी मुर्गी जो ना वो सबसे अच्छी बात ये है कि
अब सारे के सारे जो ना खाना शुरू कर दिया, तो मैं चलता हूँ राजू के पास, क्योंकि राजू जो ना वो हमला खरगोश के बच्चे पे उन्होंने हमला किया, तो यार वो छोटा ना वो मर जाएगा, इसलिए मैं राजू को अगर बंद कर देता हूँ। शाबाश, चलो 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 इसके अंदर चलो, शाबाश 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 शाबाश, चलो चलो शाबा राजू को मैं बंद कर देता हूँ। यार राजू जो ना वो खतरनाक है, तो इसके अंदर मैंने बंद कर दिया ना सब। यार इसमें भी हमला करती, हमारा छोटा बच्चा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है दोस्तों, तो इनको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि डायना सब ना वो हर वक्त इस पर हमला करता है। यार ये छोटा है हमारा, कितना खूबसूरत है, इसे मुर्गी के साथ अभी जा रहा है डायना सब, कभी किसी पे हमला, कभी किसी पे हमारे छोटे खरगोशों पे हमला कर देती है, तो कभी हमारे बबलू पे, कभी मुर्गियों पे, कभी सिवाय इस राजू के वो हर चीज़ पे हमला करते हैं। आप देख सकते हैं कितने खतरनाक है। तो दोस्तों इनको मैं इंशाल्लाह कल लेकर जाऊँगा और दूसरे परिंदे लेकर आऊँगा। यार दुख की बात यह है कि बिल्ली ने रात हमारे कोयल के जो बच्चे लेके में आए थे हम दोनों को, इस पिंजरे को आप देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ से घर चले गई और उनको बेचारे को खाकर चले गई। यार हमारे बहुत दुख की बात है, देख सकते हैं सिर्फ पंखों को उन्होंने छोड़ा, उनको लेकर चले गए। यार बहुत ही खतरनाक बिल्ली ने जैसे ही हमला किया तो हमारे कोयल के बच्चे जो ना उनको लेकर चले गए। मुर्गी जो ना मैंने अंडों पर बिठाई थी, ऊपर खो चुकी है, तो मैं उनको भी निकालता हूँ, क्योंकि सारा दिन बंद हुआ करती है, क्योंकि गर्मी या बिल्ली का खतरा होता है और कौए का, क्योंकि कौआ कभी अंडों को ले जाता है, कभी हमारे खरगोश के बच्चों को, कभी मुर्गी के बच्चों को लेकर चला जाता है, तो उनको मैंने बंद कर दिया है। तो अभी इनको भी मैं खोलता हूँ और आपको दिखाते हैं अंडों के ऊपर बैठी हुई हमारी मुर्गी, तो ये हमारी मुर्गी को आप देख सकते हैं, इसके अंडे भी कितनी खूबसूरत आवाज़ें दे रही है, कि ये तो मेरे को ये बोलती है कि मम से दूर चले जाओ, लड़ाई तुम पे कर देंगी। तो आप देख सकते हैं इनको मैंने अंडों पे बिठा दिए, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद ये भी अंडा उठकर इससे बच्चे आ जाएंगे, तो हमारे इसमें और भी वहाँ के आना शुरू हो जाएगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। खुदा हाफिज़।